हमारी हालत देखें दुंदार साहब, हम कल के बच्चे के हाथों का खिलौना बन गए हैं। उसकी नीयत यही है खातून, वो पहले हमसे छुटकारा पाएगा। मुझे लगता है कि उस्मान हमें मार कर रहेगा, बस वो सही वक्त का इंतजार कर रहा है। पहले हम, फिर गुंदूज, और उसके बाद जो भी उसके रास्ते में आया, उस्मान सबको खत्म करके अपने बाबा का ओहदा खुद संभालेगा। वो अपनी ही लालच में डूब जाएगा इंशाल्लाह। मैं उससे नहीं डरती। आप अभी भी मेरे लिए सरदार दुंदार हैं। आपके पास सिपाही और सरदार हैं, ये इतना आसान नहीं है। आली शार के खिलाफ मेरा साथ देने का इंतखाब करके बहुत जल्द तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे आईगुल। ये अल्फाज इस्तेमाल करने से पहले ये ना भूलें कि उनका एहसान है हम पर। उन्होंने हमारे मुश्किल तरीन वक्त पर हमारा साथ दिया था। कितनी मासूम हो तुम आईगुल। मैं जो कहूं अगर तुम उस पर अमल करोगे तो बतूर के कातिलों को जान चाहोगे। आली शार हमारे लिए और हमारे कबीले के लिए बहुत बड़ा खतरा है आईगुल। ये शादी करना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी और सिर्फ पछतावा बन के रह जाएगी आईगुल। ठीक है, आप क्या चाहते हैं? हमारा खून एक है, साथ पले बड़े हैं, जो कहेंगे करूंगी मैं। इंशाल्लाह इस तरह हमारे आपसी इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे। तुम अब उसकी हवेली जाकर उससे कहोगी कि मेरे बाबा जंगल में छुपे हुए हैं इस वक्त, उस्मान अगवा करना चाहता है हम लोगों को, लेकिन उन्हें उस्मान के बारे में एक अहम बात पता चली है। वो सिर्फ और सिर्फ आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं जहां कोई ना हो। उन्होंने अभी आपको वहां अकेले आने को कहा है आलीशान साहब। ये भी कहा है कि हम दोनों मिलकर उस्मान को कत्ल कर देंगे। आलीशान को बताई हुई जगह पर ले आना, बाकी मैं संभालूंगा। सिर्फ ये कर दो ताकि ये लड़ाई अब खत्म हो।